आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ कंडीशन की कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने दिया था, राइट सर? ये क्वेश्चंस मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है या कुछ आपके लाइव ऑफिशियल प्रॉब्लम है, मैंने आपको दिया था, बट आप लोगों ने सही से, कुछ लोगों ने सही से किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन जो क्वेश्चन सबने नहीं किया उन क्वेश्चन के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन, इन्होंने सबने यूज नहीं किया, जैसे कि आपको यहां बताया गया था, मनीष जी देखिए कैसे करना था। सिंपल से आप देखना था कि अगर बी टू इज ग्रेटर देन 60 तो बी टी मल्टीप्लाई बाय 40, और यहां पे नील जीरो जो भी दे सकते हैं, बट यहां पे नील नहीं जीरो आएगा। अब जीरो क्यों आएगा पता है सर? कि आपका एक रिजल्ट अगर नंबर है तो दूसरा रिजल्ट भी नंबर ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सम वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर के साथ अगर टैक्स लेते हैं तो आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत में आप रखिएगा। लेकिन इसी कंडीशन को हमने बोला था विदाउट इफ करने के लिए, मतलब विदाउट इफ किसी ने नहीं किया। आपको मैंने बताया था सबसे पहली क्लास जो हमारी फॉर्मूला की होती उसमें बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर हम डायरेक्ट इसको चेक कर सकते कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है या ग्रेटर देन 60 है, तो रिजल्ट आपका किसमें आता है? ट्रू और फॉल्स। और सिस्टम कहता है कि अगर ट्रू जो है और यहां पे आपका फॉल्स है तो ट्रू या जीरो होता है, फॉल्स आपका वन होता है। सॉरी माफ कीजिए गलत बोल दिया, ट्रू वन होता है, फॉल्स हमारा जीरो होता है। ट्रू वन होता है और फॉल्स जीरो होता है, राइट सर? अब यहां पे हम मैथमेटिकल स्किल्स को घुसेरेंगे। कैसे? इसको ब्रैकेट में लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका क्वांटिटी, तो इससे क्या होगा? जिसकी क्वांटिटी, जिसका रिजल्ट फॉल्स होगा उसकी क्वांटिटी यहां पे जीरो शो करेगी, और ट्रू होगा तो क्वांटिटी शो होगा। जैसे कि 65 मल्टीप्लाई बाई ट्रू, मतलब कि वन, ट्रू क्या है? वन, तो यहां पे 65 आ जाएगा, और 54 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो हम जाहिर सी बात जानते हैं कि किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आता है। ओके सर, अब इनको वापस हम ब्रैकेट में लेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे, तो जीरो आल्सो मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू जीरो, और जो नंबर मल्टीप्लाई है वो यहां पर आपको रिजल्ट दे देगा। किसी को डाउट है? हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमारे ऑफिशियल लाइफ में, बट क्या है कि कभी कभी हमें इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में इसकी पूछी जाती है या फिर किसी तरह के टेस्ट वगैरह में, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया हुआ अपने। ठीक है सर? ओके, किसी को डाउट है? नहीं सर। और हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो मैंने आपको किया हुआ है, बताया हुआ है, तो इसको आप अपने वीडियो को देख के देख कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं क्योंकि ये बताया नहीं था, तो इसमें क्या है कि सबसे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो बुक, अब यहाँ पे हमें दो तीन चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला तो ए डेट कितना है, जैसे कि आज अगर हम आज का डेट होता है टुडे, टुडे का फॉर्मल लगाते हैं तो ये सिस्टम डेट देता है, तो हम टुडे माइनस इसको सेलेक्ट करेंगे तो ए आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, और इस नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ 77 मंथ, या फिर इसके लिए हम डेटेड इफ का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। डेटेड इफ, ये स्टार्ट डेट
कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हम कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में एम, तो दो डेट के बीच का डिफरेंस को ये मंथ में दे देगा 76 मंथ। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 76 नहीं आया, यहाँ पे 76, एक महीने का डिफरेंस हो गया। तो हर महीना 30 का 29 का थोड़ी होता है, हर महीना 30 का थोड़ी होता है, 31 का भी तो होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का डिफरेंस दिखाया आपको। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या कर सकते हो। ओके सर, तो यहां पे कंडीशन होगा एंड का पहला कहेंगे कि एंड में होगा कि ए जो है लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए फ्लोर। दूसरा कंडीशन है यहां पे कि यहां पे हम सबसे पहले तो निकालेंगे एमआरपी का 10%, 10% और उसमें से माइनस करेंगे बुकिंग अमाउंट को। देखिए सर ए होना चाहिए ग्रेटर देन 0, उसके बाद हम करेंगे टुडे माइनस, या फिर डेटेड इफ लगा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इज ग्रेटर देन 20। आज तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब इस पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये समझ में आया आप लोगों को सर? डाउट राकेश जी, मनीष जी, कोई डाउट? नहीं है? अब यहां पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करना है, वही अलग अलग लगाइए पहले ब्रैकेट में 10% माइनस ए, ये हमारा निकल गया प्रिंसिपल। क्या निकल गया? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 17% ईयरली डिवाइड बाय 12, ये आपका रेट निकल गया मंथली। टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम निकालना है तो टाइम में टुडे माइनस डेट डिवाइड बाय 30, और इनको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन का प्रोसीजर सेम हो। निकल गया इंटरेस्ट, निकल गया सर। अब इफ फॉर्मूला में हम इन दोनों को घुसेर देंगे इसको, सॉरी मैं लैंग्वेज से लग रहा है गलत हो गया, करेंगे कॉमा जीरो। आजकल गांव के लोगों के साथ ज्यादा रह रहा हूं ना सर, शायद इसलिए लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग हो रहा है। और यहां पे हम डाल देंगे एन को, यहां डाल देंगे और यहां पे हम डाल देंगे। फाइनल हो गया, अब इसको आप डिलीट कर सकते हो। समझ गए? किसी को डाउट सर? एक बार रिपीट करिए हमने ये जो सर हमने पहले हमारे पास तीन कंडीशन है। पहला फ्लोर 5 तक होना चाहिए, दूसरा एमआरपी परसेंट और बुकिंग अमाउंट का डिफरेंस 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? बुकिंग अमाउंट और बुकिंग अमाउंट का 10% प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कि हमें इंटरेस्ट कितना पे लेना है। अगर किसी ने 10% जमा कर दिया है तो उसको इंटरेस्ट थोड़ी जोड़ना है हमें। और दूसरा टाइम कि जो डेट है और आज की डेट है उन दोनों के बीच में
जो मंथ का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। अगर तीनों फुलफिल बैठता है तो हमें कैलकुलेशन करनी है, नहीं बैठता है तो कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो एंड समझ में आ गया आपको? कैलकुलेशन क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल निकाला कि एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस सी टू बुकिंग अमाउंट जो दे चुका है बुकिंग अमाउंट का, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। रेट तो फाइनल पता ही हमें कि 70% ईयरली है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली आ जाएगा। और टाइम के लिए हमने टुडे माइनस बुकिंग डेट दे दिया और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा निकल गया टाइम। और तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके हमारा निकल गया इंटरेस्ट। अब इसी चीज को हमने इफ में डाल दिया, हमने बोला इफ एंड का रिजल्ट ट्रू है तो कैलकुलेशन करो, नहीं है तो जीरो शो करो। हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहां पे उठा के, ये आपका एंड का पार्ट हो गया, एंड का पार्ट, ये एंड हो गया। अगर इसने ट्रू दिया तो ये कैलकुलेशन करेगी, नहीं तो जीरो दे देगा। डिटेल में समझना है तो आप फॉर्मूला को एबुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले A2 का रिजल्ट लिया और मैच किया, ट्रू है। फिर इसने क्या किया, 25 लाख का 10% निकाला इसने, और फिर उसने 15 लाख 1.5 लाख से माइनस किया, रिजल्ट इसको 1000 आ गया, और एक सॉरी 1 लाख आ गया, 1 लाख जीरो से बड़ा है, ये भी ट्रू है। फिर इसने टाइम को डिवाइड किया और डिफरेंस निकाला कि 2323 दिन है, फिर उसको 30 से डिवाइड करके मंथ निकाला और ये मंथ भी 20 से ज़्यादा है तो ट्रू हुआ। तो मतलब कि लोन की कैलकुलेशन करनी है। दिख रहा है या जूम कर दूं मैं? दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद ऐसा हुआ तो कैलकुलेशन ऐसे हमने प्रिंसिपल निकाल लिया माइनस करके, ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया, रेट हमें पता ही है तो ये हमारा रेट निकल गया, और ये हमारा टाइम भी उसी तरह से निकला जैसे हमने एंड में चेक किया था। तो हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया सर। क्या गड़बड़ हुआ सर पता है? इसमें सर 20 पूरे पूरे पे कैलकुलेट किया है, हाँ, इसको 20 से ऊपर वाले पे टैक्स कैलकुलेट करना था। हाँ तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और ब्रैकेट लगाना है और ये जो 30 इसमें से माइनस 20 करके क्लोज कर। अब आया सही, और ब्रैकेट लगाया मैंने टुडे से पहले, हमने 30 के बाद माइनस 20 कर दिया, काशी 363 रुपए का इंटरेस्ट हुआ 1 लाख का, 77 मंथ माइनस डिवाइड 77 मंथ माइनस 20 जो बचता है, मतलब 50 मंथ का। ओके तो इसका यूज आप कर सकते हैं। अब इसे प्रैक्टिस कीजिए और इफ को थोड़ा सा और अपने हिसाब से बनाया कीजिए ताकि इफ आपको समझ में आ जाए।